नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपुर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। पदमपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम हरवानी ने बताया कि पदमपुर तहसील क्षेत्र के दानदाताओं ने अब बेसहारा पशुओं की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाकर सड़कों पर इधर उधर घूमने वाले पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था पिछले 4-5 दिनों से सेवाभावी कार्यकर्ता कर रहे हैं ताकि कोई भी पशु भूखा ना रहे। दूसरी ओर कई समाजसेवी संस्थाएं भी संकट के दौरान निस्वार्थ भाव का उद्देश्य को लेकर 60 से अधिक महिला व पुरुष सेवादार मानव धर्म निभाते हुए गुरुद्वारा सिंह सभा व ओड़ोरवा सेवा सदन में लंगर तैयार कर 2000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों तक सुचारू रूप से लंगर उपलब्ध करवा रहे हैं। बेजुबान जानवर कोरोना जैसी महामारी के कारण भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिनका सहारा बनने के लिए युवाओं ने संकल्प के साथ पशुओं की देखभाल करने का सराहनीय निर्णय लिया तो दानदाताओं ने नेकी के पुनित कार्य से अपना अपना हिस्सा डालकर जन सहयोग के रूप में गौ माता के हित में दे रहे हैं। गौ भक्तों का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि कोई भी पशु सड़क पर दिखाई ना दे। गौशालाओं में उनके पहुंचाने की व्यवस्था पालिका द्वारा करवानी चाहिए ताकि वहाँ स्थायी देखभाल हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली गौवंश पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। We'll be right back.